में विधानसभा चुनाव जारी है। बता दें कि 90 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग देखने को मिल रही है। और इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव सांगी में महिलाएं गीत गाते हुए वोट डालने पहुंची हैं। इन महिलाओं ने अपने ही अंदाज में राजनीतिक मिजाज दिखाया है। हरियाणा का चुनावी मुकाबला और हरियाणा के चुनावी मुकाबले के इस पड़ाव में हम रोहतक के गाँव सांगी में है। गीत के जरिए गीत सुनिए पहले आप। बढ़ती हुई महंगाई ने यो ऊटा नहीं चलावेगा, घबराइयो भाई तारा सीएम भूपेंद्र आवेगा। चोरी चारी भ्रष्टाचारी खत्म करा किया है। पूरे मुद्दे जोड़ दिए हैं हरियाणा की राजनीति में। हमारे जोड़े हैं, कोई झूठे नहीं असलियत, जो हमारे साथ जितनी बात है उसको कह रहे, कोई झूठी बात हो तो बता, सारी असलियत मुद्दे अपने आप अपने आपने लिखा है। लिखा नहीं, तुरंत बना लेते हैं, तुरंत गा लेते हकीकत गा रहे हैं। हम रो रहे हैं 10 साल से। हुड्डा जी का पैतृक गांव है, यहाँ तो उनका बोलबाला होगा, पूरा हरियाणा में उनका बोलबाला, पूरा हरियाणा। इसकी बीजेपी की सरकार थी, बोलबाला तो हुड्डा ही कर रहा है। सुने, चाहे पंचकुला चले जाओ, चाहे सरसा चले जाओ, चाहे मेवा चले जाओ, चाहे रेवाड़ी चले जाओ, चाहे अम्बाड़ा चले जाओ, सिर्फ जनता हुड्डा साहब को सीएम देखना चाहती है। ये जो वोट डाल रहे हैं विधायकों नहीं देख रही, सारी हुड्डा साहब को देखना चाहती है सीएम। को क्या मिलेगा महिला को? सिलेंडर सारे तो छाठ मिल लेंगे, 500 का सिलेंडर और 2000 रुपए मिलेंगे। किसानों ने बढ़िया फसल का मुआवजा, महिला सुरक्षा उन्होंने दी है राज्य में 10 साल में, और जिस तरीके से कामकाज हुए हैं किसानों के सम्मान से बलात्कार हो रहा है उन्होंने सुरक्षा दे दी। हम कॉलेज में नहीं भेज सकते अपनी बेटी को, जाने उसको खुद को ना बेटी को खुद तो उसको क्या मैं है ना, वो के जाने जिसको हो वो जाने। अरे ये बात है, मोदी ने क्या बेरा अपने ये लोग आए छोटे बच्चे मारे, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, ना लेडीज की है, ना पैसे धन की है, नहीं रख सकते हम, पहन के जा नहीं सकती। सभी को देख लो, सभी नंगे गले है। क्यों? हम पहले डालते थे, अच्छे सज धज के जाते थे, लेकिन अभी सभी लेडीज ड्रकी मारी जो है बगैर चेन के बगैर उनके। और महिला की सुरक्षा का जब देने उसने खुद की महिला कर रखी हो। देखिए ये अंदाजा महिलाओं का यहाँ पर गांव सांगी में, और गीत के जरिए उन्होंने हमला बोला तो साथ ही अपनी बात भी रखी है, अलग अलग मुद्दों पर जमकर निशाना साधा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, गांव सांगी, हरियाणा।